क्वेश्चन नंबर 16 है, शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व वाई इज इक्वल्स टू 7x³ प्लस 11 एट द पॉइंट्स वेयर एक्स इज इक्वल्स टू 2 एंड एक्स इज इक्वल्स टू -2 आर पैरेलल। तो ये क्या कह रहा है, अगर हमारे पास कोई कर्व है, मान लीजिए ये कर्व है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास दो टेंजेंट होंगी, एक एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे सपोज दैट यहाँ पे है और एक एक्स इक्वल्स टू -2 सपोज दैट यहाँ पे। जस्ट रफ डायग्राम है समझने के लिए क्या कह रहा है कि एक कर्व है हमारे पास और दो पॉइंट गिवन है एक्स इक्वल्स टू 2 और एक्स इक्वल्स टू -2, जहाँ से क्या हो रही है टेंजेंट पास हो रही है और दोनों क्या है पैरेलल है। अगर ये एक्स इक्वल्स टू 2 से जा रही है अगर और ये एक्स इक्वल्स टू -2 से जा रही है, तो दोनों लाइन क्या है पैरेलल है और ये क्या है टेंजेंट का काम कर रही है किसके लिए, कर्व के लिए। तो अगर दोनों पैरेलल है तो यानी इनके अगर हम स्लोप निकालेंगे एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 एंड एक्स इज इक्वल्स टू -2, वो दोनों क्या आएंगे इक्वल आएंगे। तो यही हमें यहाँ पे करना है, तो देख के करते हैं। dy बाई डी एक्स करेंगे सबसे पहले, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 21x² एट कहाँ पे निकालना है, एट x इज इक्वल्स टू 2 पे निकालते हैं सबसे पहले, एट x इज इक्वल्स टू 2 दोनों के स्लोप इक्वल आने चाहिए, पैरेलल बोला है तो यानी कि दोनों के स्लोप इक्वल आने चाहिए, वही हम कर रहे हैं। देखते हैं दोनों के स्लोप हम जब निकाल रहे हैं एट x इक्वल्स टू 2 और एट x इक्वल्स टू -2 इक्वल आता है या नहीं आता है, ये जस्ट रफ डायग्राम है ठीक है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 21 मल्टीप्लाई 4, 4 4 टू ज़ा 8, 84 आया एट x इज इक्वल्स टू 2 पे। dy वाई बाई डी एक्स करेंगे एट x इज इक्वल्स टू -2 पे, तो dy वाई बाई डी एक्स करेंगे सेम ही निकलेगा, 21x² ही आएगा। तो इस बार क्या रखना है, -2 रखना है, तो -2 का स्क्वायर करेंगे वो भी कितना होगा 4 होगा, 4 टू ज़ा 8, और ये भी कितना आएगा 84 ही आएगा। यानी कि डिफ्रेंशिएट जब हमने करा, यानी कि जब हमने टेंजेंट का स्लोप निकाला, वो दोनों क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं एट x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू -2। इसका मतलब क्या है, ये दोनों टेंजेंट लाइन जिन जो जो पॉइंट x इज टू 2 पे है और एट x इज इक्वल्स टू -2 पे है, दोनों क्या है पैरेलल है। क्योंकि जब हमारे पास लाइंस पैरेलल होती हैं तभी हमारे पास क्या आते हैं स्लोप इक्वल आते हैं m1 इज इक्वल्स टू m2। तो इसमें जस्ट यही शो करना था हमें, dy by dx at x equals to 2, 84 एंड dy by dx at x is equals to -2, 84। तो इसे नोट करें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल्स टू x³। तो इस कर्व पे x³ हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट, जहाँ पे कि अगर हम टेंजेंट बनाएंगे वो क्या होगा इज इक्वल टू द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी वाई एक्सिस के क्या होगा इक्वल होगा। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये कर्व है हमारे पास, अगर इसका टेंजेंट आता है कोई, ठीक है, अगर इसका टेंजेंट आता है उसका स्लोप हम किससे डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy बाई dx, सपोज दैट इसका क्या आएगा स्लोप आएगा इस टेंजेंट का, वो किसके इक्वल है वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी कि dy बाई dx इज इक्वल्स टू क्या गिवन है वाई, ठीक है। तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू वाई गिवन है, हम क्या करते हैं इसका dy अपॉन dx करते हैं, कितना आएगा 3x² इज इक्वल्स टू कितना आया y आया। बात क्या किया जाएगा, हम क्या करते हैं हमारे पास y इज इक्वल्स टू x³ गिवन है, तो इस पूरी इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा x³ आ जाएगा। x के बाद क्या किया जाएगा, इसको इधर ले आते हैं, यानी कि x³ 3x² उधर जाएगा, -3x² हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0, देन x² कॉमन लिया जाएगा तो ये हो जाएगा x-3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दो इक्वेशंस आएंगी, एक क्या x इज इक्वल्स टू 0 और x-3 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 3। एक्स की क्या आएंगे, दो वैल्यूज आएंगे x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 3। इसको क्या करना पड़ेगा, इस कर्व में क्या करेंगे पुट करेंगे, तो हमारे पास दो पॉइंट आएंगे, एट x इज इक्वल्स टू 0 की बात करें तो y भी कितना होगा 0 ही होगा, ठीक है, एंड एट x इज इक्वल्स टू 3 की बात करेंगे तो y इज इक्वल्स टू आएगा y इज इक्वल्स टू x³, यानी 3 का क्यूब, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स है जो हमसे पूछ रहा था वो क्या होंगे, 0,0 एंड 3,27। हेंस दीज आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स जो कि कर्व में लाई करेंगे, जहाँ पे अगर हम टेंजेंट बनाते हैं, अगर हम टेंजेंट बनाते हैं इन पॉइंट्स पे, तो उसका स्लोप क्या होगा वाई कोऑर्डिनेट के क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का मीनिंग, 17 क्वेश्चन का हिंट और सॉल्यूशन। इसके बाद हम देखते हैं 18th क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 18 है, फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5, फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो सबसे पहले तो इसके लिए कर्व लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x की पावर कितनी है, 5 है। तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कि हमें पॉइंट्स निकालने हैं। सबसे पहले तो हमें पॉइंट्स निकालने हैं, और कौन सा पॉइंट निकालना है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है बिटवीन टेंजेंट एंड कर्व। जो हम इक्वेशन में x1 y1 लेते हैं वो हमें निकालना है, क्योंकि यहाँ पे जो टेंजेंट है वो पास किससे हो रहा है, ओरिजिन से हो रहा है, ऐसा हमें गिवन है। हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट गिवन नहीं है, हमें ये गिवन है क्या कि जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट लाइन होगी, वो पास किससे हो रही है, ओरिजिन से हो रही है, ना कि हमें ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट गिवन है। तो इसे क्या करते हैं, हम ए कॉमा बी मान लेते हैं इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को, ए कॉमा बी। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट निकालते हैं, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं एट पॉइंट ए कॉमा बी, लेट करते हैं एक्स माइनस एक्स वन निकालते हैं, तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट है, डी वाई बाई डी एक्स तो हमारा क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करके आ जाएगा एट ए कॉमा बी, ठीक है। बट हमें ए कॉमा बी गिवन नहीं, यानी एक्स वन और वाई वन की वैल्यूज गिवन नहीं है, जैसे मैंने बताया हमें लेट करेंगे ए कॉमा बी, बट हमें क्या गिवन है, एक्स और वाई गिवन है, क्योंकि x और y की ये इक्वेशन क्या है, ये टेंजेंट की है। अब टेंजेंट लाइन जो है अगर ओरिजिन से पास हो रही है तो ये इक्वेशन क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, यानी कि 0,0 हम इस पॉइंट में रखेंगे तो क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो यानी x और y की वैल्यू हमें पता है जो होगी 0,0, क्योंकि टेंजेंट लाइन क्या कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। तो उसी का यूज़ करके हम क्या करेंगे, ए कॉमा बी की वैल्यू निकालेंगे। हमें कुल मिला के क्या करना है, ए कॉमा बी की वैल्यू निकालनी है, यानी पॉइंट्स निकालने हैं। तो लेट कर लेते हैं क्या, ए कॉमा बी बी द रिक्वायर्ड पॉइंट्स। सो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, यानी स्लोप निकालेंगे किसका, टेंजेंट का एट ए कॉमा बी, ठीक है। इस पर हम क्या निकालते हैं, टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, 4 3 12 एक्स स्क्वायर माइनस 5 2 10 एक्स की पावर 4, ये क्या आएगा, स्लोप आएगा। और एट ए कॉमा बी निकालना है तो 12 हर जगह पे क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 10 ए की पावर कितना, 4, क्योंकि हमने x का लेट किया हुआ है, a लेट किया हुआ है, तो 12 a की पावर 4 माइनस 10 a की पावर कितना, 4, 12 कितना आएगा, a की पावर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो स्लोप कितना आया एट a कॉमा b, 12 a स्क्वायर माइनस 10 a की पावर कितना, 4 आया। इसके बाद क्या होगा, हमारे पास दो इक्वेशंस आएंगी दो इक्वेशंस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि देखते हैं क्यों। सबसे पहले क्या है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट ए कॉमा बी, देन एक्स माइनस एक्स वन, ये क्या है, टेंजेंट की क्या है, इक्वेशन है, टेंजेंट की इक्वेशन है जो ओरिजिन से क्या हो रही है, पास हो रही है। तो यहाँ पे एक्स और वाई की जगह पे मैं क्या रखूँगा, जीरो रखूँगा, तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस वाई वन, यानी कि माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट ए कॉमा बी, हमारा निकल चुका है कितना, 12 ए स्क्वायर माइनस 10 ए की पावर 4 मल्टीप्लाई में एक्स, ये भी कितना होगा, जीरो होगा, माइनस कितना आएगा, एक्स वन आएगा। अब एक्स वन और वाई वन हमने क्या लेट किए हुए हैं, ए कॉमा बी लेट किया हुआ है, तो वाई वन की जगह पे आएगा माइनस बी इज इक्वल्स टू 12 ए स्क्वायर माइनस 10 ए की पावर 4 मल्टीप्लीकेशन में क्या है, हमारे पास पूरा का पूरा क्या है, माइनस एक्स वन है, यानी कि माइनस ए है, ठीक है। और इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ए क्या होगा, यहाँ पूरा मल्टीप्लीकेशन होगा, और नेगेटिव से नेगेटिव क्या कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं, ये माइनस यहाँ पे भी आएगा, तो माइनस ए से माइनस का ये बी वाला कैंसिल हो गया, तो पूरा आ जाएगा बी इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लीकेशन में जाएगा 12 ए क्यूब माइनस 10 ए की पावर कितना, 5। हमारे पास क्या आएगी, पहली इक्वेशन आएगी। पहली इक्वेशन इसलिए बोला क्योंकि इस इक्वेशन में क्या है, दो वेरिएबल हैं ए और बी, तो इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, दो इक्वेशन होनी चाहिए। जो पहली इक्वेशन है वो कहाँ से आई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से आ गई है, यानी कि टेंजेंट को हमने क्या रखा, ओरिजिन से पास हो रही है, तो उस इक्वेशन का यूज़ करते हुए हमने पहली इक्वेशन निकाली। तो अब हम देखते हैं दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी। अब ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ए कॉमा बी जो हमने लेट किया हुआ है, ये यहाँ पे है, यानी कि ये कर्व से भी ज़रूर पास हो रहा होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है टेंजेंट लाइन का और कर्व का। तो ये जो ए कॉमा बी है, ये क्या कर रहा होगा, कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये ए कॉमा बी अब किस पॉइंट में रखेंगे, किस कर्व में रखेंगे, इस पहली कर्व में, यानी कि कर्व की इक्वेशन में रखेंगे। तो y की जगह पे क्या आएगा हमारे पास, b इज इक्वल टू 4 ए क्यूब माइनस 2
ए की पावर कितनी 5, ये क्या है हमारे पास सेकंड इक्वेशन आई है। तो हमारे पास क्या आ गया, कुल मिला के दो इक्वेशन आ चुकी है, बी इज इक्वल टू इतना, देन बी इज इक्वल टू इतना, दोनों को क्या रखते हैं इक्वल रखते हैं कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो वहाँ से क्या आएगा हमारे पास ए की वैल्यू आएगी, तो बी की कंप्लीट वैल्यू 12 ए क्यूब माइनस 10 ए की पावर 5 इज इक्वल टू 4 ए क्यूब माइनस 2 ए की पावर 5 रखते हैं, 12 ए क्यूब माइनस 4 ए क्यूब इधर आएगा तो हमें मिलेगा 8 ए क्यूब माइनस 10 ए की पावर 5 उधर जाएगा तो हमारे पास है माइनस 2 ए की पावर 5 प्लस 10 ए की पावर 5 माइनस हो जाएगा तो ये होगा 8 ए की पावर कितना 5 आएगा, 8 से 8 कैंसिल, देन ए क्यूब माइनस ए की पावर 5 हम इधर लेंगे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, देन अगर हम ए क्यूब कॉमन लेते तो ये हो गया 1 माइनस कितना ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए क्यूब हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस यहाँ कितना बचेगा ए स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज मिलेंगी, एक ही क्या एक ए इज इक्वल टू 0 देन 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी ए इज इक्वल टू कितना प्लस माइनस 1। तो हमारे पास कुल ए की कितनी वैल्यूज आ रही हैं, ऐसे कितने पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट आ रहे हैं 0 प्लस 1 एंड माइनस 1। अब हमारे पास ए निकल गया तो हमारे पास बी भी निकल जाएगा, बी की हम वैल्यू निकालेंगे अलग अलग ए के लिए, एट ए इज इक्वल टू 0 पे बी कितना आएगा, बी भी कितना होगा पूरा कंप्लीट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, देन एट ए इज इक्वल टू 1 पे कितना होगा बी इज इक्वल टू देखते हैं 1 यहाँ पे पुट करेंगे 1 यहाँ पे करेंगे यानी कि 12 माइनस 10 कितना देगा 2 देगा, देन एट ए इज इक्वल टू माइनस 1 देखते हैं माइनस 1 पे ये कितना हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है माइनस 12 हो जाएगा और ये भी कितना होगा माइनस का ही 1 रहेगा क्योंकि क्या है माइनस 1 की पावर 5 है तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 10, माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 2 आएगा। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स है वो कितना है, सबसे पहले क्या कौन सा है 0,0 है, ये क्या है हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो ऐसे कितने पॉइंट्स पॉसिबल हैं, 3 पॉइंट्स पॉसिबल हैं जहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो क्या हो रहा है ओरिजिन से पास हो रहा है। तो पूरे क्वेश्चन का मतलब ये था 0,0 देन 1,2 देन हमने लिया -1 एंड -2 आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स एंड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है तो इसे नोट करें, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने कर्व ले लिया, फाइंड द पॉइंट, सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है पॉइंट निकालना है, तो पहले ही बोल दिया क्वेश्चन में फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर मैं इसका कुछ रफ डायग्राम बनाऊँ समझने के लिए, तो अगर ये कर्व बना देता हूँ ठीक है कुछ भी है, तो क्या कह रहा है इस कर्व में वो पॉइंट निकालो, वो सारे पॉइंट्स निकालो जहाँ पे अगर मैं उस पॉइंट पे क्या करता हूँ टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो वो क्या होगी पैरेलल टू क्या हो जाएगी एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगी। अब मैंने बोला है जब भी लाइन क्या होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगी यानी कि उसका स्लोप अगर हम निकालेंगे वो कितना होगा 0 होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर हम लेट करते हैं क्या वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है यानी कि वो पॉइंट्स क्या हैं एक्स कॉमा वाई या फिर ए कॉमा बी या फिर एक्स वन कॉमा वाई वन ले लेते हैं, ठीक है एक्स वन कॉमा वाई वन ले लेते हैं, सपोज दैट ये क्या है हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है यानी ये सारे पॉइंट्स क्या हैं जहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहा है। तो अगर इसका डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि डी वाई बाई डी एक्स स्लोप निकालेंगे तो वो क्या होगा इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे। तो इस कर्व का हम क्या करते हैं सबसे पहले स्लोप निकालते हैं यानी कि डी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2 इसका x माइनस 2 हो जाएगा माइनस 3 कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा इज इक्वल्स टू कितना है 0 रहेगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 उधर जाएगा और ये उधर जाएगा माइनस 2x देन 2 कॉमन ले लेते हैं 2 से 2 कैंसिल डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई 2y उधर हमने डिवीजन में भेज दिया और 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गए। तो जो स्लोप निकल रहा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1 माइनस एक्स अपॉन वाई आ रहा है। अब ये जो स्लोप है इसकी वैल्यू कितनी होगी इज इक्वल टू 0 ही तो होगी क्योंकि ये जो टेंजेंट जितनी भी जा रही होंगी वो क्या आ रहे हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस है हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी इस स्लोप को क्या रखेंगे हम इज इक्वल टू 0 रखेंगे।
तो ये आ गया 1 - x इजिकल्स टू वाई, इधर कंप्लीट जाएगा 0 हो गया, देन x इजिकल्स टू कितना आ गया 1 आ गया। तो हमारे पास x कितना आया 1 आया, तो हम क्या करेंगे y निकाल लेंगे यहाँ से इजीली। तो y की वैल्यू निकालते हैं, x क्या रखेंगे 1 रखेंगे प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू माइनस थ्री इजिकल्स टू जीरो। वाई स्क्वायर प्लस में है, ये कितना हो जाएगा माइनस फाइव है, प्लस वन इजिकल्स टू जीरो। वाई स्क्वायर माइनस फोर इजिकल्स टू जीरो, वाई स्क्वायर इजिकल्स टू फोर, यानी कि वाई इजिकल्स टू कितना आएगा प्लस माइनस टू। तो वाई की कितनी आ रही है, दो वैल्यूज आ रही है हमारे पास वाई की, प्लस माइनस टू। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आएंगे वो क्या होंगे, 1, 2 एंड सेकेंड क्या होगा 1, -2 आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन दिस कर्व, जहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इन पॉइंट पे, ठीक है, इन पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो क्या होने वाले हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने वाले। तो पूरे क्वेश्चन का मतलब क्या था, इस तरीके से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है एट द पॉइंट, पॉइंट इस बार हमें ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब दिए फॉर द कर्व ए वाई स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ पे जो a है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है, a क्या है कॉन्स्टेंट है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। अब नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स एट पॉइंट, कहाँ पे जो भी हमें पॉइंट गिवन है, सपोज दैट एक्स वन वाई वन देन एक्स माइनस एक्स। तो हमारे पास जो नॉर्मल का स्लोप है वो किस तरीके से आता है, 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस रहता है, माइनस 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स एट पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन एक्स माइनस एक्स वन। इस तरीके से क्या निकालते हैं हम, इसका स्लोप निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या ज़रूरी है, हमें एक्स वन और वाई वन गिवन है, क्या है हमारे पास ए एम स्क्वायर एट ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब, ये क्या है हमारे पास पॉइंट गिवन है, एक्स वन वाई वन गिवन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स करते हैं और इन पॉइंट पे क्या निकालते हैं, इसका स्लोप निकालते हैं। डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो कर्व इस तरीके से गिवन है, तो ऐसे नहीं होगा, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, सबसे पहले क्या है ए कॉन्स्टेंट है तो वो बाहर ही रहेगा, तो क्या होगा टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स और ए भी आएगा मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, ए क्योंकि कॉन्स्टेंट है इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू आएगा हमारे पास 3x स्क्वायर अपॉन, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में जाएगा यहाँ पे 2ay, ये क्या आया हमारे पास dy बाई dx आया। अब हमें क्या निकालने पड़ेंगे, किस पॉइंट पे निकालना है, ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब। तो हम क्या करेंगे, x और y की क्या कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, x की क्या है ए एम स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर करें यानी कि a स्क्वायर और m स्क्वायर का भी स्क्वायर यानी m की पावर 4 अपॉन 2 मल्टीप्लीकेशन a मल्टीप्लीकेशन y, कितना है हमारे पास a m क्यूब है, यानी कि a से a मल्टीप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, m स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, देन हमारे पास आएगा क्या 3 अपॉन 2 m। तो हमारे पास क्या है dy बाई डी एक्स एट ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब कितना आ रहा है 3m अपॉन 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा स्लोप आया, टेंजेंट का है, अभी किसका है टेंजेंट का है, इसको जब हम यहाँ पे पुट करेंगे ये किसका हो जाएगा नॉर्मल का हो जाएगा। तो सीधे हम क्या करते हैं, इक्वेशन निकालते हैं नॉर्मल की, इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल y माइनस वाई वन यानी कि ए एम क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन थ्री एम अपॉन टू देन एक्स माइनस एक्स वन कितना है हमारे पास ए एम स्क्वायर है। इसके बाद सिंपल से हमें कैलकुलेशन करनी है, टू उधर चले जाएगा मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में पूरा, तो ये हो गया वाई माइनस ए एम क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस टू अपॉन थ्री एम मल्टीप्लाई एक्स माइनस ए एम स्क्वायर, इस थ्री एम को इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में भेज देते हैं तो ये हो जाएगा थ्री एम वाई माइनस थ्री ए एम की पावर फोर इज इक्वल्स टू माइनस टू पूरा मल्टीप्लीकेशन में माइनस टू एक्स प्लस टू ए एम स्क्वायर, देन 2x को इधर ले आते हैं 2x प्लस 3my इज इक्वल्स टू 2a एम स्क्वायर प्लस 3a एम की पावर 4 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल। तो ये क्या है हमारे पास नॉर्मल की क्या आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है 2x प्लस 3my इज इक्वल्स टू 2a एम स्क्वायर प्लस 3a एम की पावर कितना 4। तो क्वेश्चन नंबर 20 इस तरीके से कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 21 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 विच आर पैरेलल टू द लाइन, हमें गिवन है, जो लाइन है वो है x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको कैसे किया जाएगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। उसके लिए हमारे पास है y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स वन कॉमा वाई वन, जो भी हमें पॉइंट्स गिवन है, देन x माइनस एक्स वन। तो हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स है तो वो इजीली आ जाएगा, बट क्या है यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हमें पॉइंट्स गिवन नहीं है, ठीक है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो गिवन नहीं है, बट उसकी जगह पे हमें ये बोला गया है क्या कि ये जो नॉर्मल है, ठीक है, ये जो नॉर्मल लाइन होगी ये पैरेलल होगी किसके, एक ऐसी लाइन के जिसकी इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 है। तो इसका मतलब ये नॉर्मल का स्लोप इज इक्वल्स टू होगा इसके स्लोप के, यानी कि लाइन के स्लोप के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, तो इनका स्लोप भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस लाइन को y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं और कंपेयर करेंगे। तो 14y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 4, देन y इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 14 एक्स माइनस 4 अपॉन 14, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो हमारे पास यहाँ पे m कितना निकला है, m इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 14, यानी कि यहाँ से हम जब dy बाई डी एक्स करेंगे, dy अपॉन डी एक्स, और उसे इस फॉर्म में रखेंगे, इज इक्वल्स टू क्या रखना पड़ेगा, माइनस 1 अपॉन 14 के रखना पड़ेगा, वो क्या आएगा हमारे पास, स्लोप आएगा किसका, नॉर्मल का, ठीक है, माइनस 1 अपॉन कंप्लीट रखना पड़ेगा तभी आएगा, क्योंकि सिर्फ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू इतना रख दोगे तो वो dy बाई डी एक्स किसका है, टेंजेंट का है, ना कि नॉर्मल का। तो करके देखते हैं, पहले dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू होगा हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है हमारे पास, ये आया है टेंजेंट का स्लोप, ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2, 6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये टेंजेंट का स्लोप है, और नॉर्मल के स्लोप के लिए क्या किया जाएगा, माइनस 1 अपॉन dy अपॉन डी एक्स की फॉर्म में हमें इसे पुट करेंगे, तो ये होगा माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू हम रखेंगे माइनस 1 अपॉन 14 के। तो ये जो डिफरेंस है ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है, तो माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इजिकल्स टू इतना, माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 14 इजिकल्स टू उधर जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2, देन 3x स्क्वायर 14 माइनस 12 2 करेंगे कितना होगा 12, देन x स्क्वायर इजिकल्स टू 4, देन x इजिकल्स टू प्लस माइनस कितना आया 2 आया। तो x की कितनी वैल्यू आई, दो वैल्यूज आई, एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2। हमें क्या करना है, इक्वेशन निकालनी है नॉर्मल की। तो इक्वेशन के लिए ज़रूरी क्या है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ज़रूरी है, ठीक है, तो वो चीज़ हम निकाल रहे हैं। तो x इजिकल्स टू 2 आया, तो सबसे पहले एट x इजिकल्स टू 2 पे इसकी वैल्यू देखते हैं, y की कितनी आती है, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 प्लस 2 टू ज़ा 4 प्लस 6, तो 6 प्लस 4 10 प्लस 8 18, देन एट x इजिकल्स टू माइनस 2 पे देखते हैं, माइनस 2 पे ये कितना आएगा, माइनस 8 आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्यूब करना है तो माइनस आएगा, माइनस 8 आएगा, प्लस ये है हमारे पास माइनस का 2, तो ये भी कितना होगा, माइनस 4 हो जाएगा, देन प्लस 6 एज इट इज रहेगा, 6 माइनस 4, तो ये होगा हमारे पास माइनस 8 माइनस 4 माइनस 12 प्लस 6 माइनस 6, हमारे पास क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 6 आएगा, जब एक्स कितना है, माइनस 2 है। तो हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आया है, वाई वन और एक्स वन की आई है, दो दो वैल्यूज आई है, 2,18 देन माइनस 2,6, तो इसकी क्या आएंगी, दो इक्वेशन आएंगी नॉर्मल की, और उसे निकाल के देखते हैं, y माइनस वाई वन, सबसे पहले इसके लिए देखते हैं कितना है हमारे पास, 18 है, 18 रखा इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि स्लोप हमें ऑलरेडी पता था कितना होगा, माइनस 1 अपॉन 14 होगा, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल है, तो हम डायरेक्ट कितना रखेंगे, माइनस 1 अपॉन 14, देन एक्स माइनस एक्स वन कितना है हमारे पास, 2 है, तो 2 रखा, 14 इधर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, 14y माइनस 18 मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा, 14 से करना पड़ेगा, 32 3 कैरी 8 वन जैट 12 13 14 15 के 2 252 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, देन ये हो जाएगा प्लस का 2, देन इधर मल्टीप्लीकेशन एक्स को हम इधर लाएंगे, एक्स प्लस 14 वाई
माइनस 252 उधर भेज देते हैं तो वो हो जाएगा हमारे पास 254 हो जाएगा। ये क्या है कि पहली हमारी इक्वेशन है कि रिक्वायर्ड इक्वेशन किसकी, नॉर्मल की, एट एक्स इजिकल्स टू टू एंड एक्स एंड वाई इजिकल्स टू कितना 18। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन भी निकालेंगे। सेकेंड इक्वेशन में हमें जस्ट पॉइंट क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे, y माइनस वाई वन की जगह कितना आएगा माइनस सिक्स आ जाएगा तो प्लस सिक्स हो गया, इज इक्वल्स टू स्लोप हमें पता है माइनस वन अपॉन 14 होगा, x माइनस एक्स वन किया जाता है माइनस टू है तो x प्लस टू हो जाएगा, देन इसे 14y प्लस 14 सिक्स करेंगे 84 होगा, इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस टू, देन x को इधर ले आते हैं x प्लस 14y और 2 को भी अगर हम इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, देन 84 प्लस 2 86 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या आएगी, हमारी सेकंड रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल आएगी जिसमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है माइनस 2 और माइनस 6। तो हमारे पास क्या आ गई, दो इक्वेशंस आ गई नॉर्मल की। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, और ये ध्यान रहे कि माइनस 1 अपॉन dy / dx कब करना है, तो ये क्या होगा माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू क्या रखेंगे माइनस 1 अपॉन 14 के रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रूफ दैट द कर्व्स x इक्वल्स टू y स्क्वायर एंड xy इक्वल्स टू k, जो कांस्टेंट लिया जाएगा, k का है कांस्टेंट है, कट एट राइट एंगल्स इफ 8k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कर्व राइट एंगल पे कट होने का मतलब क्या होता है, और यहाँ पे एस्ट्रिक बना के नीचे लिखा हुआ भी है क्या, टू कर्व इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, दो कर्व राइट एंगल पे कब इंटरसेक्ट करती है, जब उनके टेंजेंट यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, अगर ये मैंने दो कर्व बनाई है ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे क्या करेंगे हमारे पास क्या होगा, टेंजेंट बनाएंगे। टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल इफ़ द टेंजेंट टू द कर्व्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ पे दोनों कर्व के लिए हम जब टेंजेंट बनाएंगे तो वो क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलरी क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को कट कर रहे होंगे, तब हम बोलते हैं क्या कि जो लाइन है, जो कर्व है, वो क्या है परपेंडिकुलर, यानी राइट एंगल पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो कर्व राइट एंगल पे कट कर रहे हैं कहने का मतलब क्या होता है कि इंटरसेक्शन पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं दोनों कर्व के लिए, वो क्या कर रही होती हैं, राइट एंगल पे, यानी कि परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के। तो यहाँ पे जो टेंजेंट है उसका यूज़ होगा, यानी कि जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है, तो स्लोप क्या होंगे इनके, यानी कि अगर हमारे पास स्लोप, अगर टेंजेंट पहली वाली कर्व के लिए जो टेंजेंट है उसका स्लोप m1 है, दूसरे के लिए m2 है, तो प्रोडक्ट ऑफ m1 m2 इज इक्वल्स टू कितना होगा माइनस वन होगा। तो बस इसी इक्वेशन का, यानी कि m1 m2 इज इक्वल्स टू माइनस वन, इसी कंडीशन का यूज़ करते हुए हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। और जो चीज़ हमें गिवन है, क्या राइट एंगल पे कट कर रही है, ये चीज़ हमें गिवन है इफ़ 8k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और इस चीज़ का यूज़ करते हुए हमें क्या प्रूव करना है, 8k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 वाली कंडीशन निकालनी है, लानी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो कर्व है x इज इक्वल्स टू क्या है, वाई स्क्वायर है, एंड सेकेंड है एक्स वाई इज इक्वल्स टू के है। तो सबसे पहले क्या काम होगा हमारे पास, हमें चाहिए क्या, स्लोप ही तो चाहिए, स्लोप किसके, टेंजेंट के लिए। तो अगर मान लो ये हमारे पास पहली कर्व है ठीक है, पहली कर्व है यानी कि ये वाली पहली कर्व है, तो इसके लिए जो भी टेंजेंट जा रही है, जो टेंजेंट जा रही है इस कर्व के लिए ठीक है, इस कर्व के लिए जो टेंजेंट जा रही है, इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। तो वही चीज़ हम करते हैं यहाँ पे, स्लोप निकालते हैं इसके लिए। तो ये होगा हमारे पास 2y dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, y स्क्वायर में आगे ले आए ठीक है, 2y dy / dx इज इक्वल्स टू x का 1 हो जाएगा, देन dy / dx इज इक्वल्स टू कितना होगा 1 अपॉन 2y आएगा। तो ये क्या है, स्लोप आया ठीक है, स्लोप आया किसका, इस टेंजेंट का जो पहली वाली कर्व से होते हुए जा रहा है। इसके बाद हम क्या करते हैं, सेकेंड वाला निकालते हैं। सेकेंड वाला कहने का मतलब है, हम सेकेंड वाले कर्व के लिए यानी कि ये वाली जो कर्व है इससे जो टेंजेंट पास हो रहा है ठीक है, उसका हम क्या करते हैं, dy / dx निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x का डिफरेंशिएट करेंगे y एज इट इज़ रहेगा, और x का डिफरेंशिएट करने पे 1 मिलेगा, प्लस x एज इट इज़ रहेगा इस बार, और dy / dx हमें मिलेगा इज इक्वल्स टू k कॉन्स्टेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, देन x dy / dx इज इक्वल्स टू माइनस y, देन dy / dx इज इक्वल्स टू माइनस y / कितना आ रहा है हमारे पास, x आ रहा है। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, स्लोप आ रहा है y और x के रिस्पेक्ट में ठीक है। अभी भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, हमें क्या है, इक्वेशन नहीं मिल पाएगी कंप्लीट,
एट के स्क्वायर इज इक्वल टू वन कंडीशन नहीं आ पाएगी अगर हम इसमें पुट करते। ठीक है, ये टेंजेंट का स्लोप निकला, ये टेंजेंट का स्लोप निकला, इस कंडीशन में हमें पुट करना था, बट इसे पुट करने काफ़ी नहीं होगा। हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखें हमें क्या करना पड़ेगी, इन दो इक्वेशन को भी आपस में क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा और x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी हम यहाँ पे पुट करेंगे dy by dx एट कहाँ पे, इंटरसेक्शन पॉइंट तो होगा ना कुछ, ठीक है, जहाँ पे हम क्या निकालते हैं, टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं। तो वो एट पॉइंट हमें क्या है, नहीं पता है अभी तक, तो हम dy by dx एट वो पॉइंट हमें क्या निकालना है। ठीक है, वो कैसे आएगा, इन दो कर्व को क्या करके सॉल्व करके, देखें ये कर्व और ये कर्व दोनों क्या कर रही है, काट रही है एक दूसरे को, जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे काट रही है वहीं पे हमें क्या बनाने हैं, टेंजेंट बनाने हैं। तो वही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। और वो कैसे आ सकता है, अगर हम इन दोनों कर्व की इक्वेशन को क्या करें, सॉल्व करें। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, एक्स इज इक्वल टू कितना है, वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम इसकी पूरी वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स की, तो ये कितना आ जाएगा, हमारे पास पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर पहली इक्वेशन है, देन एक्स वाई इज इक्वल टू के सेकेंड इक्वेशन है, x इजिकल्स टू वाई स्क्वायर है, यहाँ पे पुट करते हैं तो वाई क्यूब इजिकल्स टू के आ गया, यानी कि y इजिकल्स टू कितना आ गया, k का 1/3 आ गया। ठीक है, पावर 1/3 हो जाएगी। अब इसके बाद x देखते हैं, x इजिकल्स टू कितना होगा, फिर x इजिकल्स टू y कितना है, k की पावर 1/3 आई है, तो यहाँ पे k की पावर स्क्वायर है, वैल्यू पुट कर देंगे, k की पावर कितना हो जाएगा, 2/3। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे हमारा टेंजेंट भी बन रहे हैं और कर्व भी क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, वो क्या है, k की पावर 2/3 और k की पावर कितना, 1/3। तो इसे रब नहीं करते, मिटाते नहीं है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज टू माइनस के माइनस वाई की वैल्यू, के की पावर 1/3, के 1/3 अपॉन एक्स कितना है हमारे पास, के का 2/3। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो पावर क्या है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो 1/3 माइनस कितना करना पड़ेगा, 2/3 से 3 1/2 माइनस 1/3 आएगा, यानी कि माइनस 1 अपॉन के 1/3। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट कहाँ पे, के की पावर 2/3 और के की पावर 1/3 कितना निकला, माइनस 1 अपॉन के 1/3 निकला, ये निकला हमारे इस वाले कर्व के लिए। ठीक है, उसके टेंजेंट का स्लोप निकला, इतना आया। अब डी वाई बाई डी एक्स एट इसी पे निकालेंगे, इसके लिए कितना होगा, 1/2 वाई की पावर कितनी है, के की पावर 1/3 है, वाई इजिकल्स टू के की पावर 1/3, तो 1/2 के की पावर कितना हो गया, 1/3 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं, m1 m2 = -1। उस टाइम पे इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहाँ पे क्या था, पूरा पूरा x और y के रिस्पेक्ट में था, और हमें प्रूफ क्या करना है, 8k² = 1। तो अब क्या आ गया हमारे पास, पूरा कंप्लीट क्या आ गया, k की फॉर्म में आ गया। तो अब हम इस कंडीशन में अगर पुट करेंगे तो हमारे चांसेस क्या हैं आंसर मिलने के हैं। तो m1 m2 = -1 रखते हैं। ये होगा सबसे पहला वाला हमारे पास है, 1/2 के की पावर 1/3 मल्टीप्लाई माइनस 1/k की पावर 1/3 इजिकल्स टू कितना रखना है, माइनस 1। तो माइनस से माइनस एज ए कैंसिल हो जाएगा, तो इसे हटा देते हैं यहीं पे। ये हो जाएगा हमारे पास 2 k की पावर 1/3 k की पावर 1/3, ये बेस सेम है, पावर का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 k की पावर 2/3 हो जाएगा इजिकल्स टू 1। ठीक है, बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे 1/3 प्लस 1/3 2/3 हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको यहाँ पे करते हैं पूरा, तो उधर जाएगा, ये हो जाएगा 2k की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट इधर जाएगा, तो इतना मिलेगा हमें। इसके बाद क्या किया जाएगा, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देंगे हम, क्यूब कर देंगे, 2 2 4 2 8 हो जाएगा, और k 2 की पावर कितना है, k की पावर कितना है, 2/3 है, इसका क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 2/3 मल्टीप्लाई 3, 3 से 3 कैंसिल, यानी k स्क्वायर बचेगा, तो 8k² = 1 क्या आ गई हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई। जब क्या कर रहे हैं, दो कर्व क्या कर रहे हैं आपस में राइट एंगल पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, और राइट एंगल पे कट करने का मतलब क्या है, वो जो पॉइंट होगा वहाँ पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दोनों कर्व के लिए, एक इस कर्व के लिए और इस कर्व के लिए, तो वो दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो उसके लिए हमने क्या कंडीशन यूज़ करी, m1 m2 = -1। उससे भी पहले हमें क्या निकालना था, टेंजेंट के स्लोप निकालने थे। ठीक है, टेंजेंट के हमने स्लोप निकाल दिए थे,
ये निकाले। इसके बाद हमें वो पॉइंट चाहिए था, ये पॉइंट भी तो चाहिए था, इंटरसेक्शन पॉइंट, ये पॉइंट क्या है कॉमन है सभी के लिए, वो पॉइंट कहाँ से निकलेगा, इन दो कर्व को क्या करके सॉल्व करके, वहाँ से वाई निकला के की पावर 1/3, एक्स निकला के की पावर 2/3, हमने यहाँ पे पुट करा तो कंप्लीट क्या आ गया के की फॉर्म में, और के की फॉर्म में m1 m2 इज इक्वल टू -1 वाली कंडीशन जो है उसमें हमने क्या रखा, इसे रखा, वहाँ से हमारे पास क्या निकला, ये निकला 2k की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। देन हमने क्या करा, क्यूब करा दोनों साइड, 8k² इज इक्वल टू 1, हमारे पास क्या आ गया रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई जो हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, इजी सा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है, सिंपल सा इक्वेशन निकालनी है, हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है, एट पॉइंट भी गिवन है एक्स नॉट वाई नॉट, या फिर एक्स जीरो वाई जीरो भी कह सकते हैं। तो इक्वेशन लिख लेते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है, 1 है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट क्या होती है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स, देन एक्स माइनस एक्स वन करते हैं। तो हमारे पास जो एक्स वन और वाई वन है यहाँ पर हमें गिवन है वो क्या है, एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो, या फिर एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, ये हमें गिवन है x1 और y1, हमें क्या निकालना है, सिर्फ dy by dx निकालना है एट x नॉट y नॉट, ठीक है, एट x नॉट y नॉट भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, a और b हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, a और b कांस्टेंट है, तो ये हो गया 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y अपॉन बी स्क्वायर, देन dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस 2y अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज रहेगा, इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, ये कंप्लीट जाएगा माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, देन 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू होगा बी स्क्वायर, इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भेज देते हैं और यहाँ का जो y है इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में भेज देंगे, ये हो जाएगा एक्स बी स्क्वायर अपॉन वाई ए स्क्वायर क्या आएगा इसका, हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स निकल रहा है, एट कहाँ पे निकालना है, एक्स नॉट वाई नॉट, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे आ जाएगा एक्स जीरो बी स्क्वायर अपॉन वाई जीरो ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये आया हमारे पास क्या, डी वाई बाई डी एक्स आया। अब क्या करेंगे, इसे एक इस इक्वेशन में पुट करेंगे, वाई माइनस वाई वन क्या क्या है हमारे पास, वाई नॉट इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे कितना आएगा, एक्स नॉट बी स्क्वायर अपॉन y नॉट ए स्क्वायर, देन x माइनस एक्स नॉट, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जस्ट सॉल्व करेंगे, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट आ जाएगी। इसके बाद मैं बता देता हूँ किसका हिंट दे देते हैं, नॉर्मल का, नॉर्मल का कैसे निकलेगा, नॉर्मल के लिए हमारे पास इक्वेशन है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, एट कहाँ पे, x नॉट y नॉट, देन x माइनस एक्स वन। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ चुका है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है। अब इसका स्लोप निकालने के लिए, यानी नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए क्या करना है, जस्ट क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि माइनस वन अपॉन एक्स नॉट बी स्क्वायर अपॉन वाई नॉट ए स्क्वायर, तो ये कंप्लीट रेसिप्रोकल हो जाएगा, हमें कितना मिल जाएगा, माइनस वाई नॉट ए स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट बी स्क्वायर, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, और यहाँ पर हम पुट करेंगे वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू माइनस का है हमारे पास वाई नॉट बी स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट, सॉरी वाई नॉट ए स्क्वायर है, ठीक है, वाई नॉट ए स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट बी स्क्वायर, देन एक्स माइनस एक्स नॉट, इसके बाद सिंपल से हम सॉल्व करेंगे और वो क्या होगी, हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी। तो टेंजेंट की ऐसे आई, नॉर्मल की इस तरीके से आई, हमारे पास यहाँ पे पॉइंट क्या गिवन थे, इस बार एक्स नॉट और वाई नॉट गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 24 ऐसे था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व वाई इज इक्वल्स टू, हमारे पास जो टेंजेंट है कर्व है, ठीक है, सबसे पहले कर्व की बात करते हैं, वो क्या है, अगर मैं वाई स्क्वायर कर दूं इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2, एक ही बात है, वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3x माइनस 2, या फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2, ठीक है, ये हमारे पास क्या कर्व है, तो हमें क्या निकालना है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है इस कर्व पे जो कि पैरेलल है, जो टेंजेंट लाइन होगी वो पैरेलल है किसके, 4x माइनस 2y प्लस 5 इजिकल्स टू 0, यहाँ पे हमें पॉइंट गिवन नहीं है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, अगर मैं रफ डायग्राम बनाऊँ, ये कर्व है हमारे पास, ठीक है, यहाँ से जिस भी पॉइंट से टेंजेंट पास हो रही है, ये टेंजेंट क्या है, पैरेलल है एक ऐसी लाइन के जिसकी हमें इक्वेशन गिवन है 4x माइनस 2y प्लस 5
इज इक्वल्स टू जीरो, दो तीन बार कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है कुछ नहीं करना है। इसका हम क्या निकालेंगे, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट, उधर भेज देते हैं। तो 2y इज इक्वल्स टू कितना है, 4x प्लस 5, देन y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5 बाई 2। तो m कितना आएगा इसका, 2 आएगा, यानी कि इस लाइन का, ये जो लाइन थी पैरेलल जा रही है, ये लाइन का कि स्लोप कितना है, 2 है। तो यही स्लोप किसका होगा, इस टेंजेंट लाइन का भी होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे। ये हो गया 2y dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, x का 1 हो जाएगा और 2 का 0 हो जाएगा। देन dy बाई dx इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2y। इस बार हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट गिवन नहीं था, ठीक है, हमें क्या गिवन था कि पैरेलल है इस लाइन की, तो हम क्या रखेंगे, इस स्लोप को इज इक्वल्स टू रखना पड़ेगा 2 के, इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2, देन 3 इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4y, देन y इज इक्वल्स टू कितना आया हमारे पास 3 अपॉन 4। ये हमारे y इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4 क्या है, पॉइंट आया, हम इसे रखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो y स्क्वायर यानी कि 3 इज 9 अपॉन 16 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3x, ठीक है, इस 2 को इधर ले आए, इसे अब हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी एलसीएम लेते हैं, 9 प्लस 32 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 3x है, 32 प्लस 9 कितना है हमारे पास 41 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 3x, 3 इधर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, x इज इक्वल्स टू 41 अपॉन 16, 3 जा 18, 48, 16 3 जा 48। तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, 41 अपॉन 48 कॉमा 3 अपॉन 4 क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड पॉइंट है। बट हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है, अभी काम खत्म नहीं हुआ, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट निकालनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास क्या है, x1 और y1 पॉइंट आ गए, और हमें क्या है, स्लोप पता ही है, और इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो भी हमें पता है। तो क्या करना पड़ेगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स एट इस पॉइंट पे, कितना है हमारे पास 41, 48, एक्स वन कॉमा वाई वन, देन x माइनस x1 हम रखेंगे। तो y माइनस y1 कितना आया हमारे पास, y माइनस y1 कितना आया, 3 अपॉन 4 आया, ठीक है, 3 अपॉन 4, देन इज इक्वल्स टू dy बाई dx कितना आ रहा है हमारे पास, 2 है हमें पता है, x माइनस x1 कितना है 41 अपॉन 48 है, इसे हम LCM लेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ क्या आ जाएगी, टेंजेंट आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से था क्वेश्चन नंबर 25।